हमारे वरिष्ठ साथी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, शिक्षा राज्य मंत्री बहन श्रीमती जायदा खान, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर कुलदीप नाका जी, गौरव गोयल जी, मोहनलाल यादव जी, गौरव अग्रवाल जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे अधिकारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए तमाम पूरे प्रदेश के विद्यालय पंचायत भवनों में मौजूद जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, मंत्रीगण और पूरे शिक्षा विभाग के परिवार के तमाम सदस्यगण, मुझे खुशी है कि आज बाल गोपाल योजना और निःशुल्क ड्रेस वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने, शिक्षा राज्य मंत्री जायदा जी ने और चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी ने आपको विस्तार से बताया क्या उद्देश्य है और बजट अनाउंसमेंट आज पूरा होने जा रहा है। दोनों योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों योजना इसीलिए आज एक साथ लॉन्चिंग की जा रही है, जिससे कि इसका महत्व समझ में आए सभी को, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, क्योंकि जैसे बात की गई ड्रेस की बात की गई तो एक साथ कॉमन ड्रेस होना एक बड़ा बड़ा मैसेज है समाज के लिए, क्योंकि इस देश के अंदर ये मूल अनेकतम एकता वाला है, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग और अलग अलग कंडीशंस होती परिवार की, उसमें अगर स्कूल के अंदर एक ड्रेस पहन के जाते हैं बच्चे, आप देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो अलग नजारा दिखता है उनका, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता बच्चों के अंदर भी, अलग पहचान बनती है। ये सोच करके पहली बार कॉमन ड्रेस स्कूलों की हो, ये निर्णय लिया गया, जिससे कोई तरह का भेदभाव समाप्त हो जाए और कॉन्फिडेंस भी पैदा हो, समानता का विचार पैदा हो, बचपन से संस्कार, संस्कृति और परंपराएं ऐसी बने जिससे कि जब बड़े बच्चे हों तो एक अलग उनकी पहचान भी और कॉन्फिडेंस अलग झलके उनमें। तो मेरे ख्याल से ये जो आज ड्रेस का प्रोग्राम किया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके पेरेंट्स जो हैं थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि पहली बार ये प्रारंभ हो रहा है और कपड़ा दिया गया है अलग से, दो ड्रेस का 200 रुपये दिए गए, 200 रुपये में ड्रेस सिलाई होती नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके पेरेंट्स को कह रहा हूँ कुछ खर्चा आप भी करो जिससे कि ड्रेस सिल जाए। कई तो अपने खुद ही घर पे सिल देते हैं, कई गांव में अगर सब मिलके टीचर्स अगर भागीदार निभाएंगे और जो टेलर्स होंगे उनको समझाएंगे तो मेरे ख्याल से वो रेट ऊपर नीचे करके संभावना बना देंगे कि वो ड्रेस सिल जाए। सिलना जरूरी है, स्कूल में जाना अनिवार्य होगा ड्रेस पहन करके, तभी तो इसको प्रोग्राम बनाया गया है। पर ये पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर के सुनिश्चित करें कि बच्चे के पास जो कपड़ा दो ड्रेस का दिया गया है, अगली बार हो सकता है हम सिली सिलाई ड्रेस ही दें उसको। इस बार कई इसके लिए बहस भी हुई कि सिलावा ड्रेस दें तो संभव होगा क्या, कोई नाप बड़ा होगा, कोई छोटा होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ड्रेस की सिलाई भी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि ड्रेस फिट बैठे बच्चे के, तो उसमें एक अलग तरह का स्मार्टनेस आती है। ये सोच करके इस बार तो दे दिया गया है क्लॉथ दो ड्रेस का, अगली बार कोशिश करेंगे किस प्रकार संभव होगा तो बाकायदा अलग अलग साइज की ड्रेस बने और उनको मिले। एक बात तो रही ड्रेस की, जो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ निर्णय सरकार का था जो आज पूरा हुआ है। शिक्षा को जो महत्व दे रहे हम लोग वो आपके सामने है,
बाल गोपाल जो ये योजना है, ये तो सरकार जो हमारी सोच है शिक्षा और स्वास्थ्य दो पे तवज्जो दी जाए विशेष रूप से अगली जनरेशन के लिए। इसी रूप में एक तरफ शिक्षा और एक तरफ उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिसके लिए तो हमने चिरंजीव योजना बनाई है, सबका स्वास्थ्य फ्री किया है। देश में तो क्या है, दुनिया में किसी मुल्क में ऐसी स्कीम नहीं है, 10 लाख का तो बीमा, और वो भी उसके अलावा तमाम टेस्ट फ्री है, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री। एक्स्ट्रा पैसा लगता है उसके लिए भी सरकार देगी, 10 लाख के अलावा भी अगर ऐसी कोई ट्रांसप्लांट नौबत आ गई या सरकारी अस्पताल तो फ्री करेंगे करेंगे। तो बहुत बड़ी योजना है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ टीचर्स हमारी बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं समाज में परिवर्तन की। तो ऐसे जो फ्लेक्सी प्रोग्राम है उसमें पूरा जो शिक्षा विभाग है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है कि उसका लाभ गांव तक, गरीब तक, घर तक कैसे पहुंचे। तो फ्लेक्सी प्रोग्राम अलग तरह का एक मैं समझता हूँ कि समझने की बात है, बहुत अच्छी योजना बनी। पर शिक्षा भी देखिए, आपके देश की आज़ादी के वक्त में मैंने पता किया कि 1951 में खाली 18% शिक्षित थी, शिक्षा थी देश के अंदर, और राजस्थान में 8% थी, आज वो बढ़ करके 70 के आसपास हो गई है। तो मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। केरल राज्य ऐसा मेरे ख्याल से जहाँ पर शिक्षा मेरे ख्याल 90% एबो होगी। तो ये जो है हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम कैसे राजस्थान में सुनिश्चित करें कि परसेंटेज बढ़े, 90+ हो, 95+ हो। मुझे याद है 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तब हमने एक प्रोग्राम चलाया था शिक्षा आपके द्वार, शिक्षा आपके द्वार, जैसे टीचर को भेजा गया था, हमने घर घर भेजा कि वो हर घर में जाके संदेश करे कि आपका बच्चा बच्ची लड़का लड़की जो है वो शिक्षा से वंचित न रहे, उनको स्कूल भेजो, शिक्षा के बगैर जीवन अंधेरा है, ये मैंने कहा था उस वक्त। और पानी बचाओ, बिजली बचाओ, शिक्षा को पढ़ाओ मेरा नारा भी था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था उस वक्त में, क्योंकि पानी बचाने बहुत बड़ी आवश्यकता आज भी महसूस होती है, बिजली बचाने की आवश्यकता महसूस होती है, और पढ़ाना का जो महत्व है उसका तो कोई सोच नहीं सकता। नॉलेज इज पावर, आज दुनिया भर के अंदर जो थीम बन गई है, जिसके पास ज्ञान है वो पावरफुल है। और जब इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आ गए हैं तो एक क्रांति हो गई दुनिया के अंदर। बच्चे आज, छोटे बच्चे भी घरों के अंदर मोबाइल्स को यूज करते हैं, जो साधन संपन्न है वो ज्यादा यूज करते हैं, जिनके साधन नहीं है उनको तकलीफ होती है। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार सरकार ने किए हैं, जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने, कल्ला जी ने, जायदा जी ने, उषा जी ने बताया आपको कि ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो कोविड के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पाए थे तो किस प्रकार वो ब्रिज कोर्स करके पढ़ सके, उसके लिए भी ऐप में जो बताया गया कि आपको जो ये मिला है, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ये प्रकार से IT बेस्ड जो है, जो टेक्नोलॉजी है उसका उसका उपयोग करके संभव हो पाया। तो ये क्रांति है पूरी कि आप ऐप के जरिए टीचर को पता लगेगा कि बच्चा किस विषय में उसको आवश्यकता, मदद की आवश्यकता है, उसका स्पेशल रिकॉर्ड कार्ड जनरेट होगा और टीचर पेरेंट्स को जानकारी मिल जाएगी, बच्चों को सिखाने में मदद करने में आसानी हो जाएगी उनके लिए भी। और 3 दिसंबर को जो पेरेंट्स टीचर डे है उसको, उस दिन ये सब बातें डिस्कस भी होगी वहां पर, टीचर लोग करेंगे। नो बैग डे जारी किया गया है शिक्षा विभाग से, एक दिन पढ़ाई का दबाव कम होगा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल हो सकेंगे। ये भी अपना आप में बहुत बड़ा मैसेज भी है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ा बड़ा फैसला भी है
क्योंकि बच्चों में इतना ही भार होना चाहिए कि वो उसके अलावा भी अन्य गतिविधियों में भाग लेने की एक्टिविटी हो सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि वन एक दिन को 9 बैग डे किया तो उसमें दूसरी एक्टिविटी भी नहीं हो, चलो ठीक है छुट्टी मिल गई हम लोगों को, वो नहीं होना चाहिए। टीचर्स का दायित्व जो है इस समाज में सदियों से रहा है कि शिक्षक जो गुरु होता है वो अगर तय कर ले जिंदगी मुझे प्रतिबद्धता निभानी है शिक्षक के रूप में, शिक्षा को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके, अगली जनरेशन को लेके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जो माहौल हमने बना रहे हैं, मेरे ख्याल हजारों लोगों को हम लोग नौकरी दे रहे हैं, 90,000 तो अभी प्रोसेस के अंदर ही है, 50-60 हजार अमेरिका दे दी गई नौकरी है, तो बड़े रूप में सरकार नौकरियां करीब सब मिला के करीब 3,50,55 हजार नौकरी दे रही है। मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में तो हालात बहुत खराब है, मैं गुजरात जाके आता हूँ अभी आजकल तो वहां तो और हालत खराब है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो 1,35,000 तो नौकरी दे दी, 1,25,000 प्रोसेस चल रहा है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं और एग्जाम हो रहे हैं प्रोसेस के अंदर है, और 1 लाख की और घोषणा कर रखी है। तो तमाम तरीके से आज हम लोग राजस्थान में सब सुविधाएं हैं बच्चों को, अब सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी स्कूल सब बना दी गई राजस्थान पर, हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी हो गए, तो ड्रॉप आउट भी कम हो गई रेट। 250 कॉलेज खुली आज तक आजादी के बाद, हम लोगों ने इन 3 सालों में 211 कॉलेज खोल दिए राजस्थान के अंदर, उसमें 94 कॉलेज गर्ल्स की है, और ये घोषणा कर दी कि यहाँ 500 लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ बड़ा फैसला है, जिससे कि लड़कियों को माँ बाप जो है शर्म नहीं दे सकते हैं, तो जहाँ स्कूल है वहीं पे कॉलेज बन जाए या उसके आसपास बन जाए। तो शिक्षा को लेके आज राजस्थान में अब सब वो प्रीमियर संस्थाएं आ गई है जो पहले नहीं थी। ये पंडित नेहरू की सोच थी कि उन्होंने आजादी के बाद से जो फैसले किए थे, आज देश की जो नींव उसी में अटकी हुई है, उसी कारण आज देश के अंदर जो विकास दिख रहा हम लोगों को चारों ओर से और आत्मनिर्भर हैं, वो इसीलिए संभव हुआ कि उन्होंने नींव रख दी, बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी कर दी, IIT, IIM, एम्स, PGI, ICAR, ये सब संस्था लेके आ गए। तो मैनेजमेंट के लोग भी निकल गए, इंजीनियर्स निकल गए अच्छे से अच्छे, और शिक्षा भी निकल गए, सब तरह से हम लोग सक्षम हो गए, और इसीलिए आज हर क्षेत्र में हम लोग डिपेंड नहीं है। और मैं समझता हूँ कि IIR बना दिया उस वक्त में, तो रिसर्च भी इस रूप में हुई कि धीरे धीरे हम लोग पहले PL 480 की गेहूं की भीख मांगते थे अमेरिका से, आप नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, पर पहले गेहूं बाहर जाता था भीख के रूप में, आज हम लोग आत्मनिर्भर बन गए क्योंकि रिसर्च हमारे यहाँ भी होने लग गई, रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया। तो ये तो बहुत लंबा विषय है, पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम आज रखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ये इसके महत्व को समझते हुए हम सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि किस प्रकार से हम शिक्षा को लेके राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान हब बन गया है। पहले हमारे बच्चे जाते थे पूना और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पढ़ने के लिए, लड़के जा नहीं पाते थे, अब सारी संस्थाएं प्राइवेट कॉलेज को अलाउ करने से, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो 6 यूनिवर्सिटी थी विश्वविद्यालय थे, आज 28 तो हो गए सरकारी और कुल मिला के हो गए 89 विश्वविद्यालय हो गए राजस्थान के अंदर, 89 विश्वविद्यालय आप सोचिएगा, और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हम हर जिले में खोल रहे हैं। तो चारों ओर से शिक्षा को लेके राजस्थान में अब आप आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो इस बात की अगर मोटिवेशन कैसे करें बच्चों को, शिक्षा का महत्व कैसे समझाएं,
जिससे कि वे अपने आप को शिक्षा की तरफ ध्यान उनका जाया जाए, और ये माहौल हम बनाए रहता है उसका मिला मिलेगा आने वाले वर्ष के अंदर। और मिड डे मील यहाँ शुरू हुआ, वो भी एक अच्छी स्कीम है कि उसमें भी मैं समझता हूँ कि पोषण की जरूरत माप सकता है। जो आज आंकड़े आते हैं देश के अंदर, हम उनकी तो ध्यान देते नहीं हैं। आंकड़े देखें बच्चों का पौष्टिक आहार कहाँ कितना मिलता किस राज्य के अंदर, या उनका स्वास्थ्य जो है बचपन से ही वो कैसा है, अगर उसके सर्वे आते रहते हैं उनका आधार बना के हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा हम बचपन से ही उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। पहले कोई जमाने में स्कूलों के अंदर मेडिकल चेकअप होते थे, अब सारी वापस शुरू किया हम लोगों ने, यादव जी शुरू किया है सर प्राइमरी या मिडिल पूरा सेकेंडरी, वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है, बचपन में कई बीमारी मालूम पड़ रहा है तो आज तो जो हम लोग सब फ्री कर दिया इलाज ही, तो और आसानी हो गई है। आयरन की टेबलेट्स भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, जितना आप कर सको स्वास्थ्य बच्चों का, छोटे बच्चों के लिए, बड़ा बच्चा तो समझ जाता है, छोटे बच्चे समझ नहीं पाते, तो मैं समझता हूँ कि उसको शिक्षा विभाग को पूरी पूरी तरह तवज्जो देनी चाहिए कि वो किस प्रकार से बच्चे स्वस्थ रहे। अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं मेडिकल के अंदर, तो देखिए आप पहले IMR और MMR बहुत स्थिति खराब थी हमारी, मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर बहुत बड़ा जंप हुआ हमारे यहाँ पर, बहुत बड़े सुधार हुआ। अभी जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ये बच्चों के लिए पीकू और निकू, जहाँ पर ये ICU की तरह छोटे बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त में उनका जो ICU है एक प्रकार से निकू और पीकू कहलाता है, तो वहाँ वो भी तैयार हो गए हैं, जयपुर में कोटा में सब जगह हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा जंप हुआ मेडिकल के अंदर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत हुआ है, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी है। कोविड में तो आप देखिए राजस्थान देश में सिरमौर रहा उस वक्त में, बिरौड़ा मॉडल तो पूरे दुनिया में चला गया, WHO तक ने तारीफ करी बिरौड़ा मॉडल की। और राज्यों की स्थिति बहुत खराब रही, अन्य राज्यों की स्थिति बहुत हालत खराब हुई है। गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल बदलना पड़ा, सरकार बदलनी पड़ी मुख्यमंत्री सहित, कि पूरी तरह वहां पर कोविड, तो वहां पर इतने लोग मारे गए कुछ सोच नहीं सकता, बहुत हाल खराब रही वहां। अहमदाबाद के अंदर तो देखा होगा टीवी के अंदर कि ड्रिप लग रही थी सड़कों पर लोगों को, भर्ती होने जगह नहीं थी। राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया उस वक्त में, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से, पूरे NGO, पूरे धर्मगुरु, पूरे पॉलिटिकल पार्टी कार्यकर्ता सबने जो है एक दूसरे की मदद करी, कोई भूखा नहीं सोए, वो स्थिति रही लॉकडाउन के अंदर। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसका संबंध इससे भी है, आपके गोल बाल गोपाल योजना जो शुरू की गई है, मैं समझता हूं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए इसको 2 दिन का अभी रखा है ट्रायल बेसिस पर, जो कि बहुत बड़ा काम है। मिड डे मील का भी मैं देखता हूँ कि कई बार कई शिकायतें भी आती है, और बच्चों में जो स्कीम क्या बाल क्या पोषण योजना छोटे बच्चों के लिए, उसमें भी शिकायत आती रहती है, क्योंकि इतने बड़े करीब 70 लाख 80 लाख बच्चे होते हैं, उन तक ये पहुंचाना मिड डे मील हो या पोषण योजना हो, पोषाहार योजना हो छोटे बच्चों के लिए, बहुत बड़ा काम होता है। गर्म खाना पकाने के लिए टीचर को पहले काम देते थे, फिर गांव की किसी महिला को रखा, तो ये तमाम बातें जो है इसमें जब तक भागीदारी नहीं हुई गांव वालों की, खुद की गांव वालों की भागीदारी हो, गांव वाले सेव करें टीचर्स को, टीचर सेव करें वहां पर बच्चों को भी, और गांव वालों से साथ संपर्क अच्छा रखे। मैंने देखा मेरा अनुभव है गांव में टीचर्स और गांव वालों का बहुत अच्छे संबंध होते हैं, और मास्टर को मास्टर साहब को बहुत बड़ी इज्जत देते हैं गांव वाले भी, वही मान सम्मान
जितना मजबूत होगा आपका, उतना ज्यादा हम लोग इन सब बालकों के लिए जो आप जिस जिसमें आए शिक्षक बन के आए हैं, वो अपना आप अपना कर्तव्य पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे। ऐसा माहौल बनाइए। जो भी सरकारी योजना है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जब आपको वक्त मिले तो गांव वालों से आप चौपाल कर सकते हो, बैठा सकते हो, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम आए हैं गवर्नमेंट के, इसका गांव में कोई वंचित नहीं रहे। कई लोगों को मालूम नहीं चिरंजीवी योजना है क्या, मालूम नहीं है तो उसके तकलीफ हो जाती है। ये नहीं मालूम होगा आप मेरे आज बैठे उन्हें क्यों मालूम नहीं होगा कि चिरंजीवी योजना में साथ में, जैसे मैंने कहा किडनी ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उसके लिए 10-15-20 लाख भी खर्च होते हैं मान दो, या सरकार अस्पताल में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सरकार तैयार है मदद करने के लिए। पहले वाली बात नहीं रही, अब आपको आराम से आप पूरा इलाज करवा सकते हैं, सब कुछ उसमें संभव। साथ में जो मैं कहना चाह रहा था, 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट का भी है उसी योजना के अंदर। अभी मैंने अनुभव किया, जो बच्चे अभी डूब के मर गए थे बरसात के अंदर, उन सब के 5 लाख पहुंच गए, वो भी एक्सीडेंट आता है, एक्सीडेंट वो भी आता है, ऊपर से गिरना भी एक्सीडेंट आता है, खाली मोटर के एक्सीडेंट नहीं है, सड़क एक्सीडेंट की बात नहीं है। तो ये जो इतनी शानदार स्कीम है, मालूम नहीं है जानकारी, आज तो पूरा रास्ते में बैठा हुआ है, इतने में कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर जानकारी नहीं हो मैं खुद को ही तो हम आगे क्या बताएंगे। तो जानकारी पहले पर हम रखे, डीपी आगे लेते जो छपते रहते हैं वो बेकार नहीं पड़े रहे, उस पर कष्ट करें हम पढ़ने का भी, समझने का भी, समझाने का भी, ये हम सब मिलके अगर सहयोग करेंगे तब जाके हम जो चाहते हैं पारदर्शी संवेदनशील जवाबदेही प्रशासन देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, सुशासन देंगे, कैसे देंगे, कोई मेरे कहने थोड़ी होगा कोई, जब तक सब साथ नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं। पूरा प्रदेशवासी साथ दें अपने तरीके से, तब जाके सुशासन मिलता है, करप्शन पे अंकुश लगता है, संवेदनशीलता अगर मन में आती है तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कोरोना में की थी तब, जब सुनते हैं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया और लोग निकल जाते पास से, तो वो संवेदनहीनता है। हमने यहां तक कर दिया कि 5,000 तो इनाम मिलेगा उसको ले आने वाले अस्पताल, और किसी राज्य का होगा व्यक्ति तो प्राइवेट जो नियरेस्ट अस्पताल है वहां उसका इलाज होगा, प्रारंभिक इलाज, वो मना नहीं कर सकता। ये हमने आदेश जारी कर रखे हैं और कानून बना रहे हम लोग, जल्दी उम्मीद करते हैं जल्दी बनेगा। तो आप बताइए, कोई राज्य का आदमी आ गया एक्सीडेंट हो गया, परवाह नहीं, कैसे काम चलेगा, उसकी जिंदगी बचाए, उसके लिए प्राइवेट अस्पताल को हम पाबंद कर रहे हैं कि आप अगर पास में अस्पताल आपका है आप मना नहीं कर सकते, आपको इलाज करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये आपके बाल गोपाल योजना और निःशुल्क ड्रेस वितरण प्रोग्राम इसका है, पर जो गवर्नेंस की बात हो रही है उसमें सब बातें आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने एक सोचा कि ये बाल गोपाल योजना और निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना के शुभ अवसर पर आप सबसे मिलना भी हो जाएगा, दो बातें भी कर देंगे आपको और अपील भी कर देंगे किस प्रकार हम लोग सब मिलके जो जो स्कीम हमारी है शानदार, उसको अपन कैसे लाभ उठा सकते हैं उसका। चिरंजीवी योजना तो आपको मैंने बताई थी, अब आपके इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना, मैं चाहूंगा 5-7 दिन में आपको इसके बारे में बात करूं कि ये देश में 2-3 राज्य मुश्किल से हैं, नरेगा की तरह शहरों में गरीब आदमी को रोजगार मिलना, उसमें भी आप देखिएगा, क्योंकि ऐसे जब मैंने इसको लॉन्च किया जयपुर में तो एक महिला आई मेरे पास में स्टेज पे, तो कहने लगी साहब कि मेरी 3 लड़कियां हैं, पहली बार मैं अब काम कर पाऊंगी शहर के अंदर और मेरा घर चल जाएगा। तो शहर के अंदर नरेगा की तरह 100 दिन की गारंटी दी गई है काम मांगने पर देने की, ये बहुत बड़ी योजना है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो
शुरू की थी नरेगा, वही बहुत क्रांतिकारी काम हुआ था। दो पहले सूखे अकाल के वक्त में चेहरे उतर जाते थे गांव वालों के, अब कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी मिलने की वो स्थिति नहीं रही, तो शहर में हमने लागू कर दिया। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका है। और पेंशन दे रही है करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को, दृष्टिजनों को। उसमें आप लोग देख सकते हैं गांव में कुछ टाइम पे मिल जाता नहीं मिल जाता पेमेंट, कुछ शिकायत तो नहीं है, कोई बदमाशी तो नहीं हो रही है। वो भी शिक्षा शिक्षक बहुत बड़ी इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं। उड़ान योजना है, बोलते हो संकोच होता है लोगों को, बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं इसको। उड़ान योजना जो महामारी होती है महिलाओं के बच्चियों को, उसके लिए सरकार का इतना बड़ा फैसला है, मेरे ख्याल से देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य होगा शायद, जहाँ पर हमने 12 नैपकिन जो है जो अमीर लोग काम लेते हैं उनकी महिलाओं को बीमारी कम होती है इन्फेक्शन की। हमारे यहाँ गाँव के गरीब आदमी है, हाइजीन काम होता नहीं उनका, जो नैपकिन अच्छे होते हैं यूज करने के लिए उसकी बजाय वो यूज करते हैं लोकल मटेरियल, कपड़ा रोई वोई जो भी होती है, कुछ इन्फेक्शन फैलता है, बार बार बीमार पड़ते हैं, जाना पड़ता अस्पताल, कई औरतें बांझ बन जाती, बच्चे पैदा नहीं होते इन्फेक्शन से। तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये बहुत भयंकर मामला, पर संकोच के कारण बोलते नहीं आपस के अंदर। हमने हिम्मत करी है उड़ान योजना को, उड़ान नाम दिया उसका, और 12 नैपकिन मेरे ख्याल 500-600 करोड़ की योजना है, 600 करोड़ की योजना है, 600 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है, और पूरे प्रदेश के अंदर गरीब अमीर कोई बात है, अमीर तो लेगा नहीं वैसे ही, वो तो वैसे ही खरीद लेंगे बाजार से, परंतु ये बहुत बड़ी योजना शुरू हुई है। अब इसमें शुरू से कोई तकलीफ भी आ रही है बनने में भी, कभी कोई कहते क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी कहीं टाइम पे, अभी तो शुरू हुई है ये, तो 4-6 महीने लगेगा, पर मैं समझता हूँ बाद में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम है ये। उन महिलाओं को जिनके पास पैसा नहीं है उनको अगर नैपकिन मिल जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा, बाद में बीमार नहीं होना पड़ेगा। कितनी तरह बीमारी है, कैंसर फैंसर पता नहीं क्या क्या रोग होते हैं महिलाओं के, वो समझ नहीं पाते क्यों हो रहे हैं। ठीक है, कोविड के अंदर जो बीमार पड़े हैं ना, ये मेरे को भी 2 बार कोविड हुआ, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम अलग होती है। मुझे भी हार्ट का स्टंट लग गया, मैं कोई बीमार नहीं था, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी कभी। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, गांव वालों से भी, सबको बैठे हैं, आप गांव में ध्यान रखें, पोस्ट कोविड प्रॉब्लम होती है, तो थकान जल्दी आती है, फटी हो जाती है बार बार, किसी के किडनी, किसी का हार्ट, किसी के लंग्स प्रॉब्लम करते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम है। मेरे को इतने डॉक्टर कहते हैं कि किसी तरह की प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है, किसी की शुगर बढ़ गई है, डायबिटिक नहीं थी डायबिटिक हो गई, और कई लोग मर जाते हैं नौजवान बच्चे। आप सुना होगा अखबार में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि इतने यंग लड़के मर रहे हैं अचानक ही, वो पोस्ट कोविड के कारण मर रहे हैं। पर लोग समझते हैं हार्ट अटैक आ गया होगा, गांव के अंदर भी सोचते हैं, हार्ट अटैक नहीं आया, हार्ट अटैक आया है पोस्ट कोविड के कारण आया। इसलिए डॉक्टर से सलाह करें, ध्यान रखें अपना, पोस्ट कोविड अभी तक प्रॉब्लम कर रहा है, सबको नहीं कर रहा है, 30-35% लोगों को कर रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद उसमें अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए आप उसका भी ज्यादा ध्यान रखें। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि कई जो अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम दिए हैं उसकी आप स्टडी करके कैसे हम लाभ पहुँचाएं लोगों को, उसको आप सुनिश्चित करने का काम मैं समझता हूँ आप करें, तो ये बहुत बड़ा काम आपके जिम्मे हैं, जो मैं समझता हूँ कि आप करने में आगे आएंगे और कोई कमी नहीं रखेंगे। बाकी मुझे खुशी है कि आज विभाग ने बहुत अच्छे नवाचार किए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने कोविड में जो बच्चे रह गए थे पीछे उनका विशेष ख्याल रखा, 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को आपने, 1,33,00,000 बच्चों का आपने विश कोर्ट करने का जो पहल करी, और उसके अंदर आपको एक प्रकार से वर्ल्ड में आपको अवार्ड मिला है। बहुत अच्छा अच्छा मामला, ये अच्छा आपने कदम उठाया है। तो ये बाल गोपाल योजना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है,
इसको हम चाहेंगे अभी ये 2-4 6 महीने ट्रायल पे चलेगी, अगली बार जब फिर छुट्टियां रहेगी बच्चों की मार्च के अंदर, अगले सेशन से जो है ये प्रयास करेंगे, वित्तीय प्रबंधन करने का प्रयास करेंगे कि 2 दिन की बजाय हम कहते 3 दिन करें, 4 दिन करें, 5 दिन करें या 6 दिन हो, ये डिपेंड करेगा क्या स्थिति बनती है और योजना किस प्रकार सफल होती है। तो बच्चों को ज्यादा ज्यादा, क्योंकि दूध जो है वो अपना पूर्ण आहार कहलाता है, तो आपको मैं समझता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का दूध बच्चों को पिलाने का अवसर मिलेगा और उससे बच्चों को स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं, मेरा बच्चों को आशीर्वाद, उनके उनके परिवारजनों को बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।